किसानों के कर्ज माफ करने के लिए वादा किया था और उसको पूरा कर दिया, जितने वचन दिए थे वो पूरा कर दिया। लेकिन केंद्र की सरकार ये चाह रहे हैं कि इनने जो वचन दिए हैं वो पूरे, करोड़ों रुपया जो मिलना था मध्य प्रदेश के हिस्से पिता के साथ अन्याय। राजनीति राजनीति की तरह होना चाहिए, चुनाव आए आप लड़ो हम लड़े, कौन जीते कौन हारे किसकी सरकार बनी अलग विषय, लेकिन जनता के जो हक का जो पैसा है वो तो कोई भी सरकार हो उसको देना चाहिए। और मोदी जो अपने आप को बहुत माने लोगों के मन की बात करते हैं, उन तमाम बातें करते हैं, नाटक ढोंग जितने उनसे बनते सब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो काम करना चाहिए उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। एक बात और जो चिंतनीय विषय है, यानी सारे सांसद लोग जो बीजेपी से जीत करके गए हैं, यानी बिना डिस्कस किए बिना कि मध्य प्रदेश की विकास की क्या स्थिति होगी इस पर कोई डिस्कशन न करते हुए और उसको मेजर थप्पड़ करके और इस कटौती को स्वीकार कर लिया, ना देने के लिए उनने मेजर थपथपाए, इसका मतलब वो मध्य प्रदेश में विकास चाहते ही नहीं। तो इस तरीके की सोच जो है ये देश के विकास के लिए घातक है, देश की जनता के लिए बहुत दुखदायी है, और इसलिए आज हमने ये विरोध में ये ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार ने हम लोगों को निर्देशित किया था, ऊपर से ये जानकारियां दी गई थी कि हमें अब हर मुद्दे के ऊपर जहाँ जहाँ ये गड़बड़ कर रहे हैं उसका विरोध करना है, और उसके तहत आज हम सब लोग आए हैं और कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ पर वरिष्ठ और सभी हमारे कार्यकर्ता वर्ग आए हुए हैं जो इस